भारत ने जीता महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। बीसीसीआई देगा 5 करोड़ का इनाम। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। भुवनेश्वर के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा हमला करने वाला पुलिस अफसर अरेस्ट। एशिया की फ्लाइट से टकराया पक्षी। लखनऊ एयरपोर्ट पर करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में थे 180 पैसेंजर सवार। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश, रात भर रुक रुक होती रही बारिश। कई राज्यों में बूंदाबांदी के आसार। भारत ने 6 विकेट से जीता दूसरा मुकाबला। सीरीज 1-1 की बराबरी पर इंडिया में पहली बार किसी टी20 में कोई छक्का नहीं लगा। पुतिन ने बोरिस जॉनसन को धमकाया था। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में पूर्व ब्रिटिश पीएम बोले, पुतिन ने कहा था कि मिसाइल अटैक में सिर्फ 1 मिनट लगेगा। मेलबर्न में तिरंगा लिए भारतीयों पर खालिस्तान समर्थकों का हमला। सिख फॉर जस्टिस संगठन के सदस्यों ने लाठियों से वार किया। 10 लोगों को लिया गया हिरासत में। चीन को चीप बनाने के लिए मशीन नहीं देगा जापान। नीदरलैंड अमेरिका ने जो है अक्टूबर में ही लगा चुकी है रोक। ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन को बर्खास्त किया। ठीक नहीं थी टैक्स रिपोर्ट। मिनिस्ट्रियल कोड का क्या था उल्लंघन। लंदन में भारतीय प्रवासियों का बीबीसी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन। पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री का विरोध। यूएस में भी हुए प्रोटेस्ट। पाकिस्तान की मस्जिद में जोरदार धमाका। पेशावर में मस्जिद के अंदर आत्मघाती बम विस्फोट। 29 पुलिसकर्मियों की मौके पर मौत। नीति घाटी के मलारी में टूटा ग्लेशियर। बर्फ के बवंडर से दहशत में लोग। आपदा प्रबंधन को सतर्क रहने की हिदायत। मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश, बर्फबारी से गिरा पारा। ठिठुरे लोग, कई जगह पर ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड सरकार किसानों को देगी तोहफा। अगले 2 साल में बनवाएगी 50,000 पॉली हाउस। सीएम बोले, किसानों को मिलेगा लाभ। घरों पर लगे लाल निशान। प्रशासन की सूची में सब सुरक्षित जुबा पर आया पीड़ितों का दर्द। लोकसभा चुनाव के लिए सक्रिय हुई भाजपा। 2 दिवसीय भाजपा प्रदेश कार्य समिति की हुई बैठक। सरकार व संगठन के बीच बेहतर तालमेल पर दिया जोर। भारत चीन सीमा पर चमोली में आया एवलॉन्च। केदारनाथ धाम में 6 फीट तक बर्फ। कुंती नाले में हिमस्खलन का वीडियो आया सामने। सैन्य अभ्यास तोपची में स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन। K9 वज्रधनुष सिस्टम रहे मुख्य आकर्षण का केंद्र। अधिकारी बोले, हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के 5 गांव में नहीं कर सकते धूम्रपान। यहां लकड़ी से बने हैं घर, भूकंप के लिहाज से सबसे सुरक्षित। तो 45 दिन बाद भारत जोड़ो यात्रा की क्लोजिंग सेरेमनी। भारी बर्फबारी के बीच राहुल गांधी ने दी 35 मिनट की लंबी स्पीच। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी भारत जोड़ो यात्रा।